नमस्कार, मैं बादल कुमार गोप। चलिए कुछ कंपोनेंट्स को डिजिटल मीटर के जरिए चेक करते हैं। तो चलिए, डायोड के कैथोड में हमने प्लस को रखा है। तो सबसे पहले आप इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लें और मैं डायोड नापना सबसे पहले बताता हूँ। एक साइड एनोड होता है और एक साइड कैथोड। तो देख सकते हैं ये जेनर डायोड है, इसमें कैथोड यानी कि पॉजिटिव, एनोड यानी कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आप ब्लैक वायर लगा के नापेंगे, मतलब कि ब्लैक लीड्स, और नेगेटिव में यानी कि एनोड में रेड मीटर का तार को लगाइएगा। तो कंटिन्यूटी आपका बतला रहा 657 ओम्स के लगभग। देख सकते हैं ये रीडिंग दिखला रहा 657। अब इसको हम पलटा के नापते हैं तो कोई रीडिंग नहीं है। देख सकते हैं कि ब्लैक को हमने एनोड में रखा है और रेड को कैथोड में, तो कोई डिस्प्ले नहीं था, लेकिन अभी वापस से हमने उस तरह से नापा जैसे सीधा नापाता है तो रीडिंग बतलाने लगा था। अब फ्यूज को नापते हैं। देखिए मीटर में दिखा रहा हूँ, ये रीडिंग शो कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह से रीडिंग शो करेगा फ्यूज में। बजर बजेगा और जीरो से लेके एक तक में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये है डायफारम, ये आपका चोंगा जो गाड़ी वगैरह में लगे हुए रहते हैं, छोटा चोंगा, स्मॉल चोंगा जिसको बोलते हैं, उसका ये डायफारम है। देखिए इसमें भी कंटिन्यूटी बता रहा एक, देखिए रीडिंग शो कर रहा 10, ठीक है, ये 10 शो कर रहा, यानी कि ये सही है। अब रहा ऑन ऑफ स्विच, देख सकते हैं दो पिन का ऑन ऑफ स्विच, दोनों पॉइंट में कनेक्ट करके लगाते हैं, इसमें उल्टा सीधा कहीं नहीं रहता है, आप जैसे भी नाप लें। आप मीटर में देखिए इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा, 1 दिखा रहा, 001। अब ऑफ करके करते हैं तो कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। फिर से इसको ऑन करके हम चेक करते हैं, देखिए फिर से कंटिन्यूटी बता रहा। तो इस तरह से ऑन ऑफ स्विच को आप चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है। अब एलईडी लाइट को चेक करते हैं, जो लंबा वाला पॉइंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लैक को लगाते हैं और रेड को हम लगाते हैं, लंबा वाला पॉइंट में ब्लैक लगाते हैं और छोटा वाला पॉइंट में रेड, तो नहीं जलेगा। तो लंबा वाला में हम ब्लैक रखेंगे और छोटा वाला में रेड, तब जाके जलेगा। अब देख सकते हैं ये भी एक डायोड का एक रूप है, एलईडी डायोड के जैसा ही, ये भी पॉजिटिव में ब्लैक रखाएगा और नेगेटिव में रेड, यानी कि कैथोड में ब्लैक और एनोड में रेड। इस तरह से आप इसको नाप सकते हैं।